सो so, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का स्टडी वीज़ा जर्मनी की आज बात करेंगे जर्मनी के स्टडी वीज़ा को लेकर इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है जितनी कैनेडा यू ऑस्ट्रेलिया एस्ट्रेलिया यू को लेकर है सो so, इस मायने में एक तो आज का हमारा ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है दूसरा आज हमारे जो गेस्ट हैं वो भी जर्मनी के बारे में मैं कह सकता हूँ कि एक्सपर्ट हैं काफ़ी ज़्यादा इन्हें जर्मनी स्टडी वीज़ा का एक्सपीरियंस है और ये खुद जर्मनी जाकर जो स्टूडेंट्स को भेजा है उनको कई बार मिलकर भी आ चुके हैं सो so, इनसे फीडबैक भी लेंगे स्टूडेंट्स खुश हैं किस तरह की जॉब्स कर रहे हैं किस तरह की वहाँ पे लाइफ है सो so, शो को एंड तक ज़रूर देखें आज के हमारे गेस्ट हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जसमीत सिंह भाटिया जी बहुत बहुत स्वागत है जी हेलो एवरीवान सो जसमीत जी जर्मनी के बारे में क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम है तो मैं चाहूँगा आप बेसिक से ज़रूर स्टार्ट करें सी फर्स्ट चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि यूरोप में अगर कोई सबसे स्ट्रोंग कंट्री है दैट इज़ जर्मनी यूरोप में अगर आप कहीं सेटल होना चाहते हैं दैट शुड बी जर्मनी बिकॉज जर्मनी की जो इकॉनमी है दैट इज़ अमंग टॉप सेवन कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड सो अगर बात करते हैं जर्मनी की इकॉनमी इज सो स्ट्रोंग दैट जितनी भी हमारी कार्स हैं मोस्ट ऑफ द कार्स इन द वर्ल्ड आर मेड विद जर्मन टेक्नोलॉजी ओनली हम ब्रांड्स के नाम लेंगे मर्सिडीज, ऑडी फ़रारी, पोर्शे वॉक्स वैगन एवरी ब्रांड इज जर्मन ब्रांड बी जितनी भी टेक्नोलॉजी से बात करेंगे कोलर क्रोहे, इवन एडिडास इज़ जर्मन ब्रांड सो बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो हमें पता भी नहीं होते वो जर्मन ब्रांड होते हैं इवन हम जो किचन में प्रेली यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ जर्मन ब्रांड सो so जर्मनी के सामने जब बात आती है तब बात करते हैं हम क्वालिटी की हम कहते हैं कि जो जर्मनी से चीज़ आई है वो सही होगी क्वालिटी वाइज अच्छी होगी सो स्टूडेंट्स राइट नाउ जर्मनी इज़ फेसिंग लॉट ऑफ़ प्रेशर बिकॉज उसकी पॉपुलेशन इज़ गेटिंग ओल्डर एंड दे हैव लॉट ऑफ वेकेंट जॉब वेकेंसी एंड देर इज़ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज स्टूडेंट्स को सबसे पहले चाहिए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं सेकेंडली पढ़ाई के साथ काम अलाउड है यू कैन वर्क पार्ट टाइम वैन यू गो टू जर्मनी फॉर योर स्टडीज पढ़ाई के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है विच इज़ कॉल्ड जॉब सर्च वीज़ा जो पहले 18 मंथ्स का मिलता है एंड 6 6 मंथ्स एक्सटेंडेबल है सो स्टूडेंट्स आई फील कि ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं व्हेन वी आर लुकिंग एट स्टूडेंट वीज़ा जर्मनी का प्रोसेस थोड़ा लंबा ज़रूर है इट कैन टेक यू सिक्स मंथ्स टू गेट यू वीज़ा बट जर्मनी में जो ए पी एस जब आपका क्लियर हो जाता है विच इज़ एकेडमिक अवैल्यूशन यू कैन डेफिनेटली यू नो गेट अ वीज़ा जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो बहुत हाई हो गया है बिकॉज ऑफ ए पी एस इम्प्लीमेंटेशन ए पी एस भी इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया क्योंकि जो इंडिया से एप्लीकेशन जा रही थी उसमें ट्वेंटी परसेंट ऑफ द एप्लीकेशन वर फाउंड टू बी फ्रॉड वर बिकॉज उनकी डिग्रीज नहीं सही थी प्लस टू डॉक्यूमेंट्स भी फोर्ज थे सो लॉट ऑफ फोर्ज डॉक्यूमेंट्स वर पुट अप इन एम्बेसी दीपक आप हैरान हो जाओगे ये के कि लास्ट ईयर जर्मनी में थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया फ्रॉम इंडिया

विथ जैन्य डॉक्यूमेंट्स ओनली सो इससे पहले कि हम टोटल कॉस्टिंग आपसे समझेंगे कितना खर्चा आएगा आप खुद जर्मनी कई बार आए गए हैं जिन स्टूडेंट्स को आपने भेजा उनसे मिले हैं वो सेटिस्फाइड है बिल्कुल द फीडबैक इज रियली रियली पॉजिटिव सो जर्मनी की कॉस्ट की बात करें तो फीस रेंज इज बिटवीन सेवन लैक्स टू तो ट्वेल्व लाख रुपीज पर ईयर डिपेंडिंग अपॉन कि आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलती है सेकेंडली ब्लॉक्ड अकाउंट है वेरी सिमिलर टू जीआईसी अकाउंट जिसके अंदर आपको 10 लाख रुपए डिपॉजिट करने हैं अप्रॉक्सीमेटली जो कि रिफंडेबल हैं सो कॉस्ट की बात करें सो इट कैन बी बिटवीन 17 लाख टू 20 लाख जिसके अंदर 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में ही रहते हैं विच इज यूज एज लिविंग कॉस्ट सो स्टूडेंट्स ये थी जर्मनी स्टडी वीजा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई भी पार्ट ऐसा लगे जिसमें आपको डाउट है तो आप लैंडमार्क की टीम को कॉल कर सकते हैं अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको लगता है जर्नी से रिलेटेड जो इस शो में रह गई है और आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच